ये गंगा यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? गंगा यात्रा की तैयारियां जो है मैनचंद सरकार के द्वारा किया गया है, तो भदोही जिला में करीब 10 जगहों पर तैयारी की गई है, जो शिवराज से लेकर बेरवा पहाड़, गोपालपुर और सीतामढ़ी छछुआ तक किया गया है। इसका समापन प्रोग्राम जो है यहाँ पे सीतामढ़ी में किया गया है। तो क्या कुछ शाम के वक्त यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि गंगा आरती भी होने वाला है यहाँ पे, तो गंगा आरती किसके द्वारा किया जाएगा? जी, गंगा आरती का यहाँ आयोजन किया गया है, तो हमारे माननीय जनता निषाद द्वारा किया गया है। पहली बात तो यह है, गंगा यात्रा हम लोग कर रहे हैं और प्रियंका गांधी ये सब पता नहीं कहां से देख रही है, एक तो ये मेरा कहना है। दूसरा ये है कि 19 मार्च 2017 को जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने उत्तर प्रदेश सरकार का सत्ता संभाला, उस समय जब हमको उस समय पशुपालन विभाग के राज्य मंत्री के रूप में हमें जिम्मेदारी मिली, आज जब हमने पता किया तो आज़ादी से लेकर के अब तक पशुपालन विभाग के विभागीय गौशाला मात्र 12 होते थे, जिसमें 9 चालू थे, 3 बंद हो गए थे। और उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकृत गौशालाएँ 495 थी। आज 3 साल हुआ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 2-2 वृहद संरक्षण केंद्र बनाने का अभियान बजट में प्रावधान करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, और उसके साथ साथ नगरों में, महानगरों में, नगर पालिकाओं में कान्हा गौशालाओं को बनाने के लिए 2-2 आ गए हर नगर पालिका और हर नगर महापालिका में। इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में भी यह आदेश गया उत्तर प्रदेश सरकार का, अगर चारागाह की भूमि है तो गांव सभा अपने सोर्सेज से वहां पशुओं को संरक्षित करने का और खिलाने पिलाने की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा जो इस प्रकार से पशु को पालेगा उसको 30 रुपये प्रति पशु के हिसाब से हम जोड़ करके, अगर 4 पशु एक किसान पालता है तो उसको जो है 120 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम किसान को देंगे, इसकी भी व्यवस्था सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूँ, देश को आज़ाद हुए लगभग 72 साल हो गए, 45 से 50 साल तक इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, 15 से 20 साल तक सपा बसपा की मिलीजुली सरकार रही है, लेकिन कभी इतनी भारी पैमाने पर पशुओं के रखरखाव के लिए, पशुओं को खाने पीने के लिए इतना भारी पैमाने पर गौशाला बनवाने का काम